करुणा जी, मैंने वादा किया है आपसे, विवान को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। मस्ती पर हमें करुणा जी की हिम्मत को कम नहीं होने देना है, क्योंकि बाकी सबकी उम्मीदें उनकी हिम्मत से जुड़ी हुई है। तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं करुणा जी के साथ हर पल रहूंगी। करुणा जी, तुम टेंशन क्यों ना का, मैं भी शहर के हर पुलिस चौकी में विवान के बारे में खबर करता हूँ। कानून पूरी ताकत से विवान की तलाश करेगी। मुझे भी वीर लोग से परियों को बुला लेना चाहिए, ताकि विवान को जल्दी से ढूंढा जा सके। यह कालपरी, हमारी गुलाम, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी। अब आएगा मजा, जब अपनी माँ का सामना करना पड़ेगा बालवीर को। वीर तिलक का समय निकला जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द अपनी सारी शक्तियों से विवान को ढूंढना होगा। बालवीर, हमें मस्ती परी का संदेश मिला और हम यहाँ पे आए विवान को ढूंढने। बहुत अच्छे परी, आप सबको अपनी शक्तियों से विवान को ढूंढना होगा। चलिए। ये कैसे हो सकता है, हमारी सारी शक्ति अब इससे टकरा कर वापस आ गई। भाई, विवान को गायब करने में कालों का हाथ तो नहीं? नहीं, धरती पर ना ही वीरलोक ना ही काल लोक की शक्ति चलती, तो ये काम किसी काल लोक वाले का तो नहीं हो सकता, किसी और का है। अगर ये काल लोक की ऊर्जा नहीं है तो फिर ये कौन सी शक्ति है जो हमें विवान को ढूंढने से रोक रही है? पता नहीं, लेकिन ये जो भी शक्ति है उसका केंद्र बिंदु भारत नगर में ही है, यानी वो हमारे आसपास है, यही कहीं हमें उसे ढूंढना होगा। चलो परी। हम हमारे दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि शहर में जो बच्चा चोर गिरोह सक्रिय हुआ है उसके बारे में हमें अभी अभी एक ताजा खबर मिली है। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस गिरोह ने दो और बच्चों का अपहरण कर लिया है, जिनमें से एक बोरीवली के रहने वाले रोहन सिंह है, जिनकी उम्र मात्र 12 साल है, और एक बच्ची है जो मलाड की रहने वाली 10 साल की टीना है।
इसी के साथ हमारे संवाददाता को भारत नगर पुलिस चौकी के प्रभारी इंस्पेक्टर गिरपाड़े जी ने ये भी बताया कि वहां से भी 10 साल का एक बच्चा लापता है जिसका नाम है विवान और उनकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। अरे आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इस तरह टीवी पर न्यूज देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनिया समाचार बनाने वाले बदलते हैं, देखने वाले नहीं। और अब समाचार हम बनाएंगे कि भारत नगर के वासियों ने एकजुट होकर उनके डैम्पर्स को धर दबोचा। हाँ करुणा जी एकदम ठीक कह रहे, हमें बाहर जाकर विवान के बारे में पता करना चाहिए। उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी कानून के काम आ सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर हम सब मिल जाए तो बड़े से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फिर ये किडनैपर क्या चीज है? मैं तैयार हूँ काका, चलिए। मैं भी तैयार हूँ। और विवान मेरा दोस्त है, मैं भी उसे ढूंढने चलूंगा। मीटू काएगा? मीटू तीन बच्चे पहले से ही गायब है। नकुरे बाबा तुम कहीं नहीं जाओगी, सारे बच्चे घर में ही रहेंगे। लेकिन अगर सारे बच्चे घर में रहेंगे और सारे बड़े बाहर, तो गुंडे तो घर के अंदर से ही बच्चों को उठा के ले जाएंगे। क्यों? कोई अकेला नहीं रुकेगा यहाँ पे, हम सब तीन तीन का ग्रुप बनाकर ढूंढने निकलेंगे और हर एक बच्चों के साथ कम से कम दो बड़े तो होंगे ही। चलो चलिए चलो। बुरी शक्ति यहीं पर थी और वो उस तरफ गई। चलो ये बालवीर, इसे शायद मेरे होने का एहसास हो गया है। इसका तो ध्यान भटकाना पड़ेगा। काल यज्ञ के लिए भी और भी बच्चे इकट्ठा करने बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुरी शक्ति यहीं गई थी। हमें ढूंढना होगा, उस तरफ चलो। रुको, माँ आप? हाँ माँ, कहाँ थी आप इतने दिनों से? वो विवान की हमने दोनों परीक्षा ले ली, तीसरे परीक्षा लेने ही वाले थे कि विवान अचानक गायब हो गया, हमें मिल ही नहीं रहा है। हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ मैं जानती हूँ, और इसलिए तो मैं शौर्य के पास गई थी। शौर्य ने बहुत कोशिश की विवान की ऊर्जा ढूंढने की, पर शौर्य भी विवान को नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि काल्लोक में भी ढूंढने की कोशिश की, और विवान काल्लोक में नहीं है। इसलिए अब हमें ही विवान को कहीं ना कहीं ढूंढना होगा, और हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी से ढूंढते हैं उसे, चलो। माँ कहीं बालवीर को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? क्या बात है बालवीर? वो बहुत समय हो गया था आपसे मिले, हमें आपकी बहुत जरूरत थी। हमें विवान को ढूंढना चाहिए,
देर नहीं करनी चाहिए। माँ आप उस तरफ जाइए। परियो चलो। बालवीर, तुम जाओ उस दिशा में और मैं जाऊंगी उस दिशा में जहां बच्चे होंगे। अब उन बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तिम्नासा का काल यज्ञ होकर रहेगा। विवान, 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 तेरा आइडिया बहुत बढ़िया है। इन नकली मूंछों में तो हम भी बिल्कुल बड़े टाइप लग रहे हैं। भैया अब हमें कोई किडनैप नहीं करेगा। अगर किसी ने किडनैप करने की कोशिश भी की ना तो हम अपनी मूंछ पर ताव मार के बोलेंगे कि बेवकूफ हम तुझे बच्चे दिखते हैं क्या। अरे चिंटी देख तेरी मूंछ निकल गई है, उसको ना चिपका ले। हाँ लाइट दूं? ले ले। चोर नहीं है, हम बच्चा है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मूछों वाला कौन सा बच्चा होता है? अरे मेरे बच्चे होते हैं ऐसे। अरे गोपू ये हमारे चिंटू चिंटी हैं। अरे तो पहले बोला था ना कि गोपू रुक जाओ। अरे यार घबराहट में दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो तो तुम्हारा वैसे भी नहीं काम करता चिंटू चिंटी। चलो चलो विवान को ढूंढते। विवान, 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 सुतली यहाँ वहां मत जा, मेरे साथ है समझी। मजर बन डोंट वरी मॉम, मैं आपके सारे चल रहे हो। चल मजर बन। विवान, 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 आ जाओ बच्चे मेरे पास आ जाओ। यहाँ आ जाओ। विवान, 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 विवान बेटा। सुतली, सुतली कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। सुतली, बेटा। सुतली। कुछ तो अजीब है। ए! रुको। इससे पहले कि ये धरती छोड़कर भाग जाए
मुझे पृथ्वी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करने होंगे। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। भला इसी में है कि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और उस बच्ची को छोड़ दो। हो सकता है मुझे तुम पर दया आ जाए। दया की भीख तो तुझे मांगनी पड़ेगी मेरे पैरों पर गिर गिर कर। अरे आप? माँ, आपने यहाँ किसी को देखा? हाँ बालवीर, हाँ मैंने अभी अभी किसी को भारत नगर के दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं रोक पाई। वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली था। पृथ्वी पर माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? अब बालवीर सोच क्या रहे हो, वो उस तरफ गया था। चलिए माँ। बालवीर, अभी तो तुम मेरे सामने बच्चे हो। तुम्हारे पास ना ही मुझे रोक पाने की ताकत है और ना ही उन बच्चों को मुझसे बचाने की। सुतली, सुतली, कहाँ सुतली, सुतली, सुतली। सीखिए इस कालपरी से। नई नई कालपरी बनी और देखिए कैसे फटाफट से बच्चे उठाए जा रहे। अगली भैरानी तो यही बनेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तौबा तौबा, ये सिर्फ वो 12 बच्चे इकट्ठा कर रही है, लेकिन इन बच्चों में सबसे कीमती बच्चा विवान, वो तो मेरे पास है। जिसके बिना ये काली यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। अरे आप लोग यहाँ आइए, सुनिए। अरे किसी ने मेरे चिंटू को देखा है क्या? चिंटू नहीं तो? रात में घर में ही था, सुबह से कहीं नहीं मिल रहा है। पप्पू सच बता, चिंटू तेरे साथ था? नहीं पापा, मैं तो पूरी रात घर पे ही था। देव, मेरे
रिसेंटली मिली क्या? मेरी सुतली के बिना मेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। देवा, मेरी सुतली को सही सलामत मेरे वापस भेज दे भगवान, वापस भेज दे, वापस भेज दे। ये भारत नगर में क्या हो रहा है? तुम लोग जितना पैसा मांगोगे हम सब देंगे। मेरे चेहरे को वापस ले आओ। आप सब ऐसे हिम्मत मत हारी। देखिए, दिवाली का समय है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। विवान, सुतली, चिंटू और बाकी सारे बच्चे जहां कहीं भी है हम उन्हें ढूंढकर वापस लाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, हमारे बच्चे जरूर वापस आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, वो लोग आएंगे वापस। मस्ती परी, ऐसे समय पर करुणा जी को हिम्मत जुटाना आसान नहीं होगा। हमें उनकी हिम्मत कम नहीं होने देनी है। अच्छा, मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, हो सके तो आप सब एक ही घर में रहिए एक साथ, ताकि वो चिंटी, गोपू, खुशी और बाकी बच्चों को भी ना उठा पाए। हमें इन सभी बच्चों को कड़ी सुरक्षा में रखना होगा। 2400 घंटे इन पर नजर रखनी होगी ताकि इन्हें कोई भी ना उठा सके। बालवीर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन चिंटू को उस किडनैपर के हाथों से नहीं बचा पाए। सबसे बड़ी बात तो यह है बालवीर कि हमारी शक्तियों का कोई भी असर नहीं हुआ उन पे। और बालवीर, उल्टा हमारे हाथों में ये अलग सा अजीब सा घाव का निशान बन गया है। बालवीर, हम उस काले साए को तो नहीं पकड़ पाए लेकिन उसके कपड़े का ये काला टुकड़ा हमारे हाथ लगा है। एक बात तो है बालवीर, ये कोई रहस्यमय शक्ति है, ना तो ये काल लोग जैसी है और ना ही वीर लोग जैसी। आखिर ये शक्ति है कौन? परियो, क्या आप में से किसी ने भी उसका चेहरा देखा है? नहीं। बारी है विवान की बहन की। परियो, आपको कोई बच्चा मिला? नहीं बालवीर, और तुम्हें? ये खुशी अकेले कहां जा रही? खुशी, खुशी रुको, खुशी, खुशी रुको, खुशी। आ जाओ। आ जाओ।
पारियों, आप सब इसी तरफ से इन पर नजर रखिए, तब तक मैं दूसरी तरफ जाकर हमला करता हूँ। ठीक है। तुम जो भी हो, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। लोगों की इस गलती की सजा बहुत जल्द दूंगी बालवीर। खुशी, खुशी, हमें सबसे पहले खुशी को उसके घर ले जाना होगा, उसकी मां वरना चिंता करेगी। चलो। छी 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 भराजा, काल लोक की गद्दी पाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि बालवीर के उत्तराधिकारी को छुपते छुपाते हुए सबसे बच के मारेंगे। मैंने बड़े से बड़ा लालची देखा है, लेकिन इतना गिरा हुआ लालची पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालू कौन कहते। इसे मारूंगा तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, जय जयकार करेंगे सब मेरे। आपके हाथ का खंजर कहां बस हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तिम्नासा के काल यज्ञ में रुकावट डालने की? अगर तुमने इस काल यज्ञ को रोकने की कोशिश की ना, तो 12 बच्चों की बलि के बाद 13वीं बलि तुम्हारी होगी। अगर मैं रुकावट डाल रहा हूँ तो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें 12 राशियों के 12 बच्चे चाहिए ना, फिर बार बार भारत नगर क्यों पहुंच जाती हो? जबकि तुम्हें पता है कि वहां पे बालवीर और परियां पहले से मौजूद हैं। दुश्मन के नाक के नीचे से चोरी करने में ना अलग ही मजा है। उसकी झुनझुनाहट देख के दिल को चैन मिलता है। अच्छा, अगर आप पकड़ी गई तो बहरानी को कितनी झुंझुलाट होगी, इसके बारे में सोचा है आपने? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालो वाले बोलते हैं। काल यज्ञ के लिए 12 में से 8 बच्चे जमा हो चुके हैं। अगले 1 घंटे में 4 बच्चे उठा लूंगी, फिर चाहे कोई भी बीच में आ जाए, वो बालवीर या परिया या तुम दोनों, खत्म कर दिए जाओगे। चली गई थी खुशी। शुक्रिया दे, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को वापस लाने के लिए। नहीं करूँ ना जी, अभी हमारा शुक्रिया अदा मत कीजिए।
इस शुक्रिया के हकदार हम तभी होंगे जब सभी बच्चे सुरक्षित होंगे और वापस अपने अपने घर पर होंगे। वो जो कोई भी है अब ज्यादा देर तक मुझसे बच नहीं पाएगा। हाँ सर, कहाँ से गायब हुआ आपका बच्चा? अंधेरी वेस्ट, उनके दोस्तों के घर पता किया आपने? ठीक है। जी मैडम, पुलिस आपकी मदद करने के लिए है। बच्चे का नाम और उम्र बताइए। अरे इंस्पेक्टर गिर पड़े। अरे क्या कर रहे हो तुम और तुम्हारी पुलिस? पहले विवान गायब हो गया और अब मेरा बेटा चिंटू भी। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं सारा शहर सर पे उठा लूंगा। मिश्रा जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ। सुतली भी गायब है। हमको पता है गिर पड़े। तुम ये बताओ, पुलिस को कुछ पता चला? छेड़ा भाई, डीसीपी साहब ने स्पेशल टीम लगाई है, सारे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। किडनैपर्स बच्चों को शहर के बाहर लेके जा ही नहीं सकते। अब बैठिए, बच्चे जल्दी मिल जाएंगे। बैठूंगा नहीं, चलूंगा, मगर जल्दी से कुछ ना कुछ करो। हाँ, कानून पूरी ताकत लगा देगा। क्या सोच रहे हो बालवीर? देख रहे हैं आप सब, ये काली ऊर्जा है, यानी इसमें काल लोक की शक्ति का अंश है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर? काल लोक की शक्तियां पृथ्वी पर काम नहीं करती। इसका जवाब हमें इस कपड़े के टुकड़े से मिलेगा। देखा परी, ये किसी परीलोक के वासी का कपड़ा है जो परीलोक मंत्र पढ़ने से गुलाबी रंग का हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो बालवीर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सब अभी तक सोच रहे थे कि ये शक्ति या तो वीरलोक की है या तो काललोक की, लेकिन इस कपड़े के गुलाबी होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने काललोक और परीलोक दोनों की शक्तियों को मिलाकर किसी एक नई रहस्यमय शक्ति का निर्माण किया? काल लोक की कोई भी शक्ति मेरा हत्या नहीं रोक सकती। लेकिन उस रहस्यमय शक्ति को बनाया किसने होगा? इसका जवाब तो सिर्फ हमें माँ ही दे सकती है। वजह से हो रही है। क्या तुम सब इतने नकारे हो गए हो कि अब तक 12 बच्चे इकट्ठा नहीं कर पाए? तेरी इस भैमार की वजह से हो रही है। बालवीर की नाक के नीचे से बच्चे चुराने का सुकून जो तुम्हें चाहिए था, तेरी उसकी वजह से हो रही है। जितनी तुम्हारी जुबान चल रही है ना, अगर उतने तुम्हारे हाथ चलते। खामोश। मैं भी यही बोलने वाला था। लेकिन आपने बोल दिया तो फिर मुझे मुंह खोलने की क्या जरूरत है? सुन लो, तुमसे कल सुबह तक किसी भी हाल में तिमनासा को 12वां बच्चा चाहिए, ताकि ये काल यज्ञ पूरा करके हैरानी विवान को काबू में कर सके। पर अगर तुम सबके नकारेपन की वजह से ये काल यज्ञ अधूरा रहा तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी ये तिमनासा। बालपरी पर तुम्हारा शक सही था बालवीर। इसका मतलब मैं काल लोक के वश में।
फिर तो हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए और उन पे किए हुए जादू को तोड़ना चाहिए। नहीं ज्वाला परी, अगर ऐसा किया हमने तो काललोक में तिमनासा और भैमार को शक हो सकता है और जो बच्चे लापता हुए हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। आप सही कह रहे हैं शौर्य। परियो, हमें सबसे पहले विवान और बाकी बच्चों को बचाना होगा। मैंने माँ को वचन दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, विवान की परम परीक्षा और वीर तिलक को रोकने नहीं दूंगा, चाहे फिर मुझे उनसे ही क्यों ना टकराना पड़े। बच्चा अकेला कहाँ जा रहा है? सुनो, रुको। चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए, डरो मत। प्लीज मुझे चिंता मत करो, मुझे मम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। विवान, 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 प्लीज मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं तो सिर्फ गला फाड़ रहा हूँ, आपके तो कपड़े फटने वाले। विवान भाग गया। क्या? अरे क्या नहीं, कैसे पूछिए, उधर देखिए। अरे जहाँ से हवा अंदर आती है वहां से विवान हवा बन के निकल गया। अरे लानत है आप पे। ऐसा मैं नहीं, पहलानी बोलेगी आपको। भैराजा, हम दोनों भी यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, इससे पहले कि भैरानी और कालपरी का गुस्सा जाग जाए, भाग चलते हैं यहाँ से। भैमार ने कभी भागना नहीं सीखा है। अरे तो सीख जाइए ना, अभी सीखने की उम्र थोड़ी ना होती है। देखिए यहाँ कोई नहीं है, यही सही मौका है, भाग चलते यहाँ से। तौबा तौबा, यही सही मौका है वो काम पूरा करने का जो बालपरी ने रोक दिया था। उन्होंने इसे अपने वश में करने की कोशिश तो की, उसके बावजूद ये वहां से भाग निकला। आखिर है तो ये भी बालवीर ही। पर बालवीर, इसे कहां रखा था उन लोगों ने? इसका जवाब तो सिर्फ विवान ही दे सकता है। अपने में भी तुम लोग ही दिखाई दे रहे हो। कितना जल्दी सपना है यार, खत्म ही नहीं हो रहा। विवान, होश में आओ, हम सच में तुम्हारे सामने हैं। विवान, कहाँ जा रहे हो तुम? घर वाले अंकल को सब बतानी, एक बुरी सी आंटी थी, उसने मुझे, चिंटू, सुतले और बाकी बच्चों को किडनैप किया था। अब हटो मेरे रास्ते से। ये क्या कर रहे हो बालवीर?
विवान अगर गिर पड़े जी को सब कुछ बता देता तो माँ और काल लोक वालों को पता चल जाता। हाँ, वो लोग बाकी बच्चों के छुपने की जगह बदल सकते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हाँ, इसलिए हमें कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे चिंटू, सुतली और बाकी सारे बच्चे सुरक्षित हो जाए और माँ और काल लोक वालों को पता भी ना चले। आप सबको ये तरकीब समझ में आ गई? याद रखिएगा, ये तरकीब तभी काम करेगी जब मां को हम पर संदेह ना हो। क्या हुआ मां, अब क्या ढूंढ रही है? नहीं, कुछ नहीं। आप लोग सब मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? माँ, हमें उन किडनैपर्स के बारे में एक बहुत बड़ी खबर मिली है। अच्छा, क्या खबर है? कभी सोचा ही नहीं था कि माँ को दिया वचन पूरा करने के लिए माँ से ही झूठ बोलना पड़ेगा। क्या हुआ बालवीर, बोलो ना, क्या खबर है? बालपरी, मैं आपको बताती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? मैंने आपको बताया था ना, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। अब वो किडनैपर बच नहीं पाएगा। दरअसल बालवीर और बाकी की परियां यहाँ का इलाका संभालेंगी और आप और मैं बाहर का। ठीक है, चलिए आइए ना बालपरी। लेकिन आप आइए, मैं आपको बताती हूँ। माफ कीजिएगा माँ, अच्छाई की रक्षा और वीर तिलक के लिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। अच्छा हुआ कि मुझे माँ की शक्ति का एहसास हो गया, वरना अगर माँ विवान को देख लेती तो। मैं तो सोफे पे था ना, अचानक यहाँ कैसे आ गई? ये क्या घोटाला है ब्रो? विवान, हमारे प्लान के हिसाब से मैं अभी गिरपड़े जी के पास जाऊंगा और उन्हें खबर दूंगा। तब तक तुम यहाँ मेरी दोनों बहनों के साथ रहोगे। ओ हेलो पार्टनर, कौन सा प्लान हा? और मैं कब मान गया? किसी और के प्लान में साइड हीरो बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे अभी तो माने थे, वापस भूल गए? और विवान, अगर तुम बाहर आए और उन किडनैपर्स ने तुम्हें देख लिया तो बाकी बच्चों को खतरा हो सकता है। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। अरे मेघा जी, आप लोग कहाँ थे? मैं कब से परेशान, मेरा मतलब है हम सब लोग परेशान हो रहे थे, है ना छड़ा भाई? दरअसल कानून जी, वो हमें एक नई जानकारी मिली है। क्या क्या जानकारी मिली है? गिरपड़े जी, हमने उन किडनैपर्स को बांगुर नगर में देखा था, लेकिन हम उन्हें पकड़े या फिर वो पुलिस को खबर करे उससे पहले वो लोग भाग गए वहां से। बांगुर नगर? अच्छा, बांगुर नगर में एग्जैक्टली वो लोग कहाँ थे? नहीं, मतलब हो सकते हैं वहां सीसीटीवी फुटेज की कोई रिकॉर्डिंग हुई हो। कानून जी, इससे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि जो किडनैपर्स भारत नगर में बच्चे उठाने आए थे वो लोग फिर से यहाँ आने वाले किसी और बच्चे को उठाने। हमने ये उन्हें बात करते हुए सुना था। इन किडनैपर्स की ऐसी की तैसी, अब मैं दूंगा यहाँ दिन रात पहरा, देखता हूँ कैसे यहाँ कोई किसी बच्चे को हाथ लगाता है। अरे छेड़े भाई, चिंता मत करो, पूरी पुलिस फोर्स भिजवा दूंगा भारत नगर में। हाँ
पिंडा पास आए ना तो बच के नहीं जाएंगे। मैं बैकअप बुलाता हूँ। तब तक हम सब यहीं मंदिर में रुकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चे भारत नगर में हैं वो सुरक्षित रहें और जो लापता हैं वो सही सलामत वापस आ जाए। नहीं मिसेस छेड़ा, अब इस दिए में रोशनी तभी होगी जब हम सबकी आंखों की रोशनी हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे। झाला परी, आप दोनों परियां यहीं रुकिए, मैं विवान के साथ जा रहा हूं योजना का अगला कदम पूरा करने। अरे सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? नहीं कहीं नहीं, तुम बताओ ना क्या खबर मिली है? खबर तो ये मिली है कि भारत नगर कॉलोनी में जो किडनैपर्स आए थे ये उनकी बहुत ही पसंदीदा जगह है और वो लोग फिर से यहाँ बच्चा उठाने आने वाले हैं और वो लोग जैसे ही बच्चा उठाने यहाँ आएंगे हम उन्हें धर दबोचेंगे। अब क्या हो रहा है ब्रो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैं नहीं, तुम मुझे लेकर जा रहे हो वहाँ जहाँ किडनैपर्स ने सभी बच्चों को पकड़ के रखा है। एक मिनट, तुम कोई पुलिस हो? सुपर हीरो? लोगों को बचाने की तुम्हारी जो हॉबी है ना उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो और चलो गिर पड़े अंकल के पास। अरे विवान, गिर पड़े जी को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो ट्रैफिक में फंसे इसलिए उन्हें देर लगेगी और हम इंतजार नहीं कर सकते, तुम्हारे दोस्तों की जिंदगी का सवाल है। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो फिर पुलिस की क्या जरूरत? ये लास्ट वाली बात तो तुमने अंकल की कही पार्टनर। ठीक है, मुझे थोड़ा दिमाग पे जोर डालने दो। याद आ गया, एक अंधेरा रूम था और क्या? और वहां मुझे ट्रेन की आवाज आ रही थी। पुरानी पटरी और कुछ आसपास कोई आवाज? हाँ, जब मैं वहां से भागा था तब मुझे साउथ इंडियन भजन की आवाज सुनाई दे रही थी। और कुछ वो जगह या फिर कुछ और? हाँ, वहां बाहर एक बड़ी सी फैक्ट्री थी और वहां पर कोल्ड स्टोरेज का बोर्ड था। और तुम्हें वहां से यहाँ आने में कितना समय लगा? पता नहीं, शायद 20-30 मिनट होगा। इसका मतलब जहाँ पर बच्चों को किडनैप करके रखा गया है वो यहाँ से नजदीक है और उसके आसपास रेलवे की पटरी भी है और दक्षिण भारतीय मंदिर भी। हमें उस जगह को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। चलो। हम है। अरे आप दोनों हो, मैं तो बस डरने का नाटक कर रहा था। मैं और किडनैपर से डर जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे आप दोनों इस अजीब से कपड़े में क्यों घूम रहे हो? क्योंकि थोड़ी देर में तुम किडनैप होने वाले हो। अच्छा अच्छा, क्या धोनी परी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। खड़े हो जाओ। मेरा दिल धबड़ धबड़ भी कर रहा है। धबड़ 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 धबड़। अरे धबड़ धबड़ करते हुए दिल को थोड़ा रोको टूपा टूपा, हम तो बस किडनैपिंग का नाटक कर रहे हैं ताकि हम असली किडनैपर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, समझे? समझा तो नहीं, लेकिन तुम लोग मेरे समझने का इंतजार थोड़ी करोगे। कर लो मेरा किडनैप। ओ
सब लोग अपनी वॉकी टॉकीज बंद रखेंगे। किडनैपर उसको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पुलिस का बंदोबस्त है। तू उधर जा, तुम उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। वैसे मस्ती परी, अब बालवीर इतनी जल्दबाजी में कहाँ गया? वो बालपरी, मैंने आपको बताया था ना, भारत नगर कॉलोनी में आने के इतने सारे रास्ते हैं, तो कानून जी बस ये रास्ते पर पहरा देंगे। और बालवीर स्कूल के पीछे एक मैदान है, वहाँ पहरा देगा। चाहे कितने भी पहरे लगा लो, काल यज्ञ के लिए एक बच्चा तो लेकर ही जाऊंगी। ना ही पृथ्वी लोक के जी कमजोर लोग मुझे रोक पाएंगे और ना ही बालवीर। राजा मेरी बात सुनिए, विवान को मार के भैरानी और कालपरी से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। मैं दुश्मनी नहीं, काल लोग का मुकुट लेने वाला हूँ। अरे मुंडी बचेगी तो मुकुट पहन पाएंगे ना आप? ऐसा मैं नहीं, वैसे भी बालवीर और परियों ने भारत नगर में डेरा जमा के रखा है अपना। तो अरे तो क्या, सुनिए ना, बोलो साहब क्या मांगता है? काला खट्टा ठंडा संतरा मलाई शरबत खसगोला। अंकल एड्रेस मांगता है, यहाँ आसपास कोई कोल्ड स्टोरेज या कोई पुरानी बंद फैक्ट्री है क्या? आसपास कोई साउथ इंडियन या अयप्पा मंदिर हो? इधर तो दो दो कोल्ड स्टोरेज है और दोनों के पास अयप्पा मंदिर है। आपको कौन से वाले के पास जाने को मांगता है, लेफ्ट वाले में या राइट वाले के पास? लेफ्ट वाला, राइट वाला मंदिर। अरे लेफ्ट वाला पहले। क्यों के साथ घूम बन के पीसने में कोई फायदा नहीं है, परमार को अपनी दुर्गति कराने भरे करवाए उसकी मर्जी। मैं तो यहाँ कहीं छुप कर पुलपी बेच कर अपना गुजारा कर लूंगा। मरने तो बेवकूफ कहीं का। लेफ्ट राइट वाला मंदिर? अरे लेफ्ट नहीं राइट वाला। यहाँ मैं ना कि आपके लेफ्ट वाला? नहीं विवान राइट वाला। नो ब्रो पहले लेफ्ट। नहीं विवान राइट वाला। लेफ्ट राइट वाला मंदिर हमेशा राइट होता है क्योंकि राइट ही राइट है। अपनी मुंडी उधर घुमाओगे ना तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट। सिंपल ब्रो, अभी लेफ्ट वाले में चलो। नहीं विवान राइट वाला मंदिर प्लीज। अभी वाला बालवीर और अगला बालवीर दोनों एक साथ, बेवकूफ भैमार को बताना पड़ेगा। राजा सुनिए मेरी बात, अभी भारत नगर में जाना मतलब अपने सर पे जूते मारने जैसा है। क्या बकवास कर रहा है? जरा सोचिए ना, आप भारत नगर आ गए और इतनी देर में बालवीर उधर बाकी बच्चों को लेकर फूर हो गया तो महिलानी का काल युग तो चौपट हो जाएगा और साथ में आपकी इज्जत भी, जो वैसे भी बची नहीं है। ऐसा मैं नहीं, कालो वाले बोलेंगे। अरे अरे सुनिए भाई राजा, ये भयमार तो दोनों तरफ से पिटने वाला है। क्या करूं, बालवीर से हाथ मिला लूं क्या? क्या करूं क्या करूं, चलो एक और मौका दे देता हूँ इस भैमार को। अरे पैदल, ठीक है? हाँ हम आए अब लोग। ए ए बड़ा, एक मिनट, अरे तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? सबको मंदिर में जाने को बोला है ना? हाँ मंदिर कहाँ है? मंदिर है ना उस तरफ, इधर उस तरफ। हाँ हाँ बोल। बच्चा किधर गया? एक मिनट एक मिनट, किंडर पर्स, बच्चा गायब। निकलो, हेलो हेलो, ये वॉकी टॉकी तो बंद है, मोबाइल करना पड़ेगा। ए पवार, हाँ गिर पड़े यार, वो मिश्रा के घर के पीछे के गली में पहुंचो, वो अपने वॉकी टॉकी ऑन रखो। हाँ अभी अभी मैंने दो किडनैपर टाइप लोग काले कपड़े में भागते हुए देखे। आ जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। अब जो शोरगुल शुरू होने वाला है उसमें
मुझे बालपरी का ध्यान भटकाना होगा। बालपरी, वो देखिए, लगता है पुलिस वालों को कोई खबर मिली है। हमें वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए आइए। वहां बालपरी, बालपरी, मैंने वहां से किसी को जाते हुए देखा, लेकिन पुलिस से इस तरफ गई। नहीं नहीं, आप चलिए ना बालपरी, आप चलिए, आइए। यही है वो गली, आज मैं भागा था। इसका मतलब उन बच्चों को यही कहीं छिपा के रखा गया है। इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया लगता है, कंफ्यूज होकर खुद के सिर पर टपली मार रहा है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जब उस अंधेरी रूम से भागा था तो मैंने पहले राइट लिया फिर लेफ्ट लिया, उसका मतलब उधर। ये तो कमाल हो गया पार्टनर, पहली बार हम दोनों किसी एक बात पे राजी हुए। ब्रो, मैंने आधे सेकंड पहले उधर इशारा कर दिया था तो राजी मैं नहीं, तुम हुए हो मेरे साथ। ओके ओके, अब चलो। यही है वो जगह जहाँ मुझे उन किडनैपर्स ने किडनैप करके रखा था। ये देखो, कोल्ड स्टोरेज भी है। अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर, उन किडनैपर्स को बताने कि विवान आ गया है और अब उनकी पिक्चर का होने वाला है दी एंड। दी एंड तो होगा उनका, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथ। सिर्फ मैं अंदर जाऊंगा, तुम नहीं। विवान चलो। ओ हेलो, हम दोनों तो यहाँ अकेले थे, अब अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? तुम चलो। ओए, देवरों किधर गए? वो गए अंदर और तुम मेरे साथ चल रहे हो अभी। चलो। ए, एक मिनट, एक्शन अंदर चल रहा है और हीरो बाहर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विवान रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे विवान भाग गया तो क्या हुआ? जितने भी बच्चे बच्चे हैं उन्हें भेज देते भरानी के पास, बाद में भूल चुक के लिए माफी मांग लेंगे। ए, भैमार ने माफी मांगनी नहीं सीखी है। ए, मुझे तो लगता है आपने कुछ सीखा ही नहीं है बकेती के अलावा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा धरती वाले बोलते हैं। बकबक और डकैती को मिलाकर बन गया बकेती। चुप कर, बच्चे लेके जाना शुरू कर। तब तक हम लोग ये छुपन छुपाई का खेल खेलते रहेंगे जब तक बालवीर अगवा बच्चों को छुड़ा नहीं लेता। इसका मतलब है कि बालवीर को सब पता चल गया है, पर मुझे उलझाने के लिए इतनी देर से इतना नाटक चल रहा था। बालवीर, इसी के लायक है। मुझे तो भूख नहीं लगी,
मैं यहीं छुपे रहता हूँ। स्वागत नहीं करोगे मेरा? विवान रुको, विवान नहीं, ये रुको विवान, क्या नहीं रुको विवान, दोनों में अंतर है। अब इसके सामने तो मैं अपने जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बालवीर, ये नाटक तूने शुरू किया है, खत्म अब मैं करूंगी। डरो मत बच्चों, तुम सब सुरक्षित हो और अब जल्दी पुलिस भी आने वाली है, डरो मत। मां ने सुरक्षा कवच तोड़ दिया। ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं बना जो इन बच्चों को मुझसे बचा सके। तुम दोनों पीछे के दरवाजे से बच्चों को बाहर लेकर जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। एक से भले दो, दो से भले मैं अकेला, इसे मैं संभालूंगा, तुम जाओ। विवान प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, तुम्हें सलमान भाई की कसम। वो तो सलमान भाई की कसम दे दी, बात माननी पड़ेगी। चलो जल्दी चलो चलो चलो। कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन ऐसे मोड़ पर अपनी माँ से आमना सामना करना पड़ेगा।